सो गुड मॉर्निंग एवरी वन। एंड गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि हर बार हमको फ्रेश फील करना है भाई, इसलिए गुड मॉर्निंग बोलते हैं हम लोग। सो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन। आई सी ए प्रशांत सरडा, आई वेलकम यू ऑल टू दिस कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर सी ए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एंड बी सी के। तो गाइज ये बैच में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जादू होने वाला है क्या बोच? यस यस यस, मिलकर जादू ही करेंगे हम लोग। हम लोग मिलकर क्या करने वाले हैं? जादू क्रिएट करने वाले। क्या करेंगे हम लोग? इसका मतलब पॉजिटिविटी डालना है खुद के अंदर। कितना स्कोर चाहिए आप लोगों को इस सब्जेक्ट में? 70, 100+। जान ले लो जान। गाइस रियलिस्टिक टारगेट शुड बी, अगर आप सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पर बात करोगे तो 70+। सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव बैच के बेसिस पर अगर बात करोगे, इसके आगे होने वाली पढ़ाई के बेसिस पर बात करोगे तो 70+ आपका स्कोर आना चाहिए और आएगा बस। और अगर आप रेगुलर प्लस कॉम्प्रिहेंसिव की बात करोगे तो ऑब्वियसली आपको 90+ आना चाहिए। तो कोई नहीं, हम लोग मिलकर ये कोशिश करेंगे कि 70+ कहीं पर भी जा सकता है। जब मैं 70+ बोलता हूँ मतलब वो 92 भी होता है, पता है ना आपको? यस, अभी मैथ्स का लेक्चर हुआ है, आपको पता होगा। तो क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आपको? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच सर कौन से सब्जेक्ट का होगा? तो ये डेफिनेटली हमारा इकोनॉमिक्स का भी होगा विथ BCA होगा, ठीक है। दूसरी बात सर, इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि क्या होगा, सिलेबस कवरेज क्या होगा? तो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले पहले, और अकॉर्डिंग टू दैट उसके बेसिस पर मैं आपको कुछ ट्रिकी MCQ सॉल्व कराऊंगा साथ में, ठीक है। तो दोनों भी होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी होगा और MCQ भी प्रैक्टिस होगा। अब इसको सर, हमारा कोई बेस ही नहीं है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स जीरो है, आपका BCA पूरा जीरो है, तो फिर क्या सर हम ये बैच एप्लीकेबल है क्या हमारे लिए? 110% बिल्कुल एप्लीकेबल रहेगा। और कौन से एग्जाम के लिए हम ये बैच ले रहे? तो ये CA फाउंडेशन कमिंग जून एंड दिसंबर दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ये कमिंग जून एंड दिसंबर के लिए एप्लीकेबल रहेगा ये बैच, ओके। तो सबसे पहले टॉपिक्स देख लो आपके। अगर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स की हद तक, तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में आपके पास आता है पहला नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये दो टॉपिक्स पे हम लोग लीस्ट ध्यान देंगे, लीस्ट ध्यान देंगे, क्योंकि ये दो टॉपिक आपको ऑलरेडी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रिज्यूम कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, प्रिज्यूम कर लेंगे आगे बढ़ेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे, बट इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है ज्यादा। ज्यादा कॉन्सेप्ट आने वाले आपके चैप्टर नंबर 3, 4, 5। 3 क्या है आपका? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस है वो आपका। 4 क्या है आपका? मार्केट्स, मार्केट्स है। एंड लास्ट 5th क्या आपका? बिजनेस साइकिल। यस, तो ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है, एंड इन टॉपिक्स के हद तक हम लोग डिस्कशंस पे डिस्कशंस करके हमारा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेट्स बिगिन। सब लोग रेडी है? चार्ट बुक के अंदर आपको काफी जगह ब्लैंक पेजेस मिलेंगे, वो आपके खुद के नोट्स के लिए है। चार्ट बुक जो है वो पूरा का पूरा कलरफुल ऐसा नोट्स है जिसके अंदर आपका रिविजन फटाफट पूरे सिलेबस का क्रक्स में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इस चार्ट बुक को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इज वेरी सिंपल, जो जो बैच का लेक्चर है उसको देखकर उसके बाद एक रिविजन ग्लांसिंग करना है। रिविजन के वक्त इस चार्ट बुक में जो चीजें नहीं इनकॉर्पोरेटेड है वो आपको लिखना होगा। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट था वहां लिखा नहीं है, तो आपका पेन उठाइए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जहां पर भी लिख सकते हो लिखिए। उस चार्ट बुक को मैंने नीट कलरफुल बहुत अच्छा प्रिंट करके दिया है, बट सेम रखना नहीं है आपको। आपको आपके एग्जाम के बाद यूज करने की इच्छा है? बिल्कुल भी यूज करने की इच्छा नहीं, तो उसको क्या करना है? खराब नहीं करना है रे, उसको भरना है, कॉन्सेप्ट से भरना है उसको, ठीक है। मिलकर भरेंगे, और बचे हुए पार्ट में आपको कहीं लगता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां लिखना चाहिए था तो लिख दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसके साथ डील करता है? ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। किसके साथ? ह्यूमन बिहेवियर के साथ। जब हम बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर तो सबसे पहला चीज आ जाता है वांट्स। वांट्स कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, मगर उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास मींस मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं। स्केर्स मतलब ही लिमिटेड, और उन मींस की एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? उन मींस की एक स्पेशलिटी क्या है? मल्टीपल यूजेस है उसके, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूजेस। अंडरस्टैंड, सपोज फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड रिसोर्स 5000 है, चलो मैं आप सबको 5000 दूंगा। आर यू फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम? यस।
क्या प्रॉब्लम है आपके, आपके वॉन्ट्स अनलिमिटेड है बट वो जो 5000 है उसमें सेटिस्फाई नहीं होंगे, यहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया। क्यों आया पता है क्या, क्योंकि वो 5000 के अल्टरनेटिव यूजेस है। अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर वाउचर दूं और एक वाउचर में एक पर्टिकुलर चीज ही खरीदी जा सकती है और दूसरा कोई चीज खरीदा नहीं जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वाउचर वर्थ ₹2000 गो टू शॉपर स्टॉप एंड गेट वन शर्ट, और वो शर्ट का डिजाइन कलर सब कुछ मैंने प्रिंट करके वो वाउचर में दिया है कि ये ही शर्ट मिलेगा आपको। नाउ टेल मी आर यू फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम? नो नो। इज 2000 लिमिटेड रिसोर्स? यस। डू यू हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स? यस, बट दैट वाउचर ऑफ 2000 डजंट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जेपा क्या, समझा क्या? तो इसका मतलब वो वाउचर आपको बस शॉपर स्टॉप में देना है और आपको वो शर्ट लेना है, उसका मतलब कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो वाउचर सिर्फ 2000 का एक वाउचर होता जिसमें आप शॉपर स्टॉप की कोई भी चीज खरीद सकते हो वर्थ ₹2000, तो फिर आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम फिर से आ जाता क्योंकि उस वाउचर के बन गए अल्टरनेटिव यूजेस। आया बात समझ में? यस। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच रिलेटिवली स्कैर्स रिसोर्सेस आर अलोकेटेड टू सेटिस्फाई कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ सोसाइटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स? कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स मतलब क्या? बोलिए बोलिए। एक वांट सेटिस्फाई करोगे तो दूसरा वांट पीछे हट जाता है, कंपीटिंग। तो जब आप बोलते हो 2000 में मैं एक टी शर्ट खरीदने वाला हूं, इसका मतलब तूने शर्ट जीन्स ये ऑप्शंस तो छोड़ ही दिए, तो इसके मतलब ये वांट्स कैसे थे? कंपीटिंग वांट्स थे। अनलिमिटेड तो थे ही बट एट द सेम टाइम कंपीटिंग थे। कंपीटिंग मतलब एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे थे। अगर तुम एक को सिलेक्ट कर लेते हो तो बचा पीछे हो जाता है, उसको बोलते हैं कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स। सो इट्स ऑल अबाउट रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर सेटिस्फाइंग अवर कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स इन द सोसाइटी। अब इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करता है दो फैक्ट्स की वजह से। पहला फैक्ट क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कैसा है बेटा? ह्यूमन वांट्स जो है वो कैसा है? अनलिमिटेड है। और उनके सेटिस्फाई करने वाले मींस कैसे? रिसोर्सेस जो है वो स्केर्स है। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम तो आने ही वाला है। दैट बिकम्स द बेस ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। इसलिए बोला है एन इकोनॉमी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ टू फैक्ट्स। पता है आपको, अगर ये फैक्ट्स नहीं होते ना तो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने की जरूरत ही नहीं होती। क्या होता? ह्यूमन वांट्स लिमिटेड होते, रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते, तो बोलो आपको क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता? कुछ नहीं। समझे कि नहीं? वो रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूजेस ही नहीं होते तो वापस से इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आते। तो इसका मतलब हम इकोनॉमिक स्टडी करते ही नहीं थे फिर, बट हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर पा रहे बिकॉज ये दो फैक्ट्स है। समझे? सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आप सबको पता है इकोनॉमिक्स के दो साइड कौन से होते हैं? एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। एम आई, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, ऐसे याद रखने का। एम आई माइक्रो, माइक्रो में आई आ रहा है, आई स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। एम ए, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, सो एग्रीगेट मतलब टोटालिटी। तो जब मैं आपके पूरी क्लास में से एक का स्कोर पूछूंगा, माइक्रो हो गया, आई एम डीलिंग विथ इंडिविजुअल। बट अगर मैं क्लास का एवरेज स्कोर पूछूंगा, ये बन गया मैक्रो, क्योंकि मैं एग्रीगेट को स्टडी कर रहा हूं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ मेनली आपको क्या लगता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसको स्टडी करने वाले? सर हम दोनों को स्टडी करेंगे। सर बिल्कुल सही है, दोनों को स्टडी करोगे, बट उसमें भी इंपॉर्टेंटली किसको स्टडी करोगे? माइक्रो, एम आई माइक्रो, दैट इज द बेस फॉर आवर स्टडी। ओके, नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स अगेन एज वी डिस्कस्ड ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज माइक्रो द अदर इज मैक्रो। जब हम माइक्रो बोलते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला वैसे एम आई आ गया, आई आ गया तो क्या होगा? इंडिविजुअल, या तो एक पर्टिकुलर कंपनी रहेगी या तो एक पर्टिकुलर पर्सन रहेगा। तो इसलिए लिखा है इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। बट जब हम एम ए बोलते हैं तो ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, इसलिए यहां पर आ गया ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब पूरा इकोनॉमी एज अ होल जब तुम स्टडी कर रहे हो, एग्रीगेट स्टडी कर रहे हो, टोटल स्टडी कर रहे हो, उसको हम बुलाएंगे एम ए मैक्रो।
जब हम इंडिविजुअल एक पर्सन को या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं तो वो बन गया माइक्रो. ओके, मैक्रो एंड मैक्रो दे आर टू साइड्स ऑफ इकोनॉमिक्स. हम फोकस मेनली करेंगे माइक्रो पर. माइक्रो में क्या क्या आता है सर? माइक्रो में आता है आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग, कंज्यूमर का बिहेवियर, फैक्टर का प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. ये जनरली यहाँ पर इसलिए डाला गया है दोस्तों क्योंकि आपके एमसीक्यू में ये आता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स वी डील विथ वॉट, अगर आपने क्वेश्चन देखे रहेंगे तो. अब इसके अंदर से आपके सिलेबस में एक्चुअली प्रोडक्ट प्राइसिंग रियल में नहीं है, बस इक्विलिब्रियम प्राइसिंग है आपके सिलेबस में. मगर प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट का प्राइसिंग. वो मेथड्स आपके सिलेबस में नहीं है, मगर आपके सिलेबस में इक्विलिब्रियम प्राइस जरूर है, डिमांड एंड सप्लाई का इंटरसेक्शन. यस, कंज्यूमर बिहेवियर आपके सिलेबस में है क्या? यस, यूटिलिटी, डिमांड, ये सब कंज्यूमर बिहेवियर में आता है. उसके बाद फैक्टर प्राइसिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बीकॉम के सिलेबस में आता है. वो कौन सा होता है? फैक्टर क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन, ये हो गए चार फैक्टर्स. इन चारों का प्राइस होता है क्या कुछ? यस, इन चार, ये क्या पॉकेट में काम कर रहे हैं आपके लिए? क्या प्राइसिंग है इनका? लैंड का है रेंट, लेबर का है वेजेस, आपका कैपिटल का है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर का है प्रॉफिट. तो इनको बोलते हैं प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो रेंट कैसे डिसाइड होता है, इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है, आपका वेजेस कैसे डिसाइड होता है और प्रॉफिट कैसे डिसाइड होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है. वो सब आपके बीकॉम के सिलेबस में कवर हो जाएगा. देन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, पर्टिकुलर का बिहेवियर हो गया, आप पूरे इकोनॉमिक को नहीं उसके एक सेक्शन को पढ़ रहे हो. फिर बिहेवियर ऑफ फर्म, ये वापस से आपके सिलेबस में है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई. बिहेवियर ऑफ फर्म आपके सिलेबस में है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई. उसके बाद लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज अगेन यू आर डीलिंग विद पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो वो बन गया एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इसलिए वो बन गया माइक्रो. समझा? देन फ्रेंड्स, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट वी स्टडी एवरीथिंग इन टोटलिटी. तो फिर इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? नेशनल इनकम आएगा, नेशनल आउटपुट आएगा, जनरल प्राइस लेवल आएगा, इंटरेस्ट रेट्स आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी आएगा, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आएगा, एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा. तो गाइस ध्यान से सुनिए सब लोग कि यहाँ पर जो चीज़ें लिखी है इसका मीनिंग क्या होता है. सबसे पहला पॉइंट है नेशनल इनकम एंड आउटपुट, इसका मतलब होता है आपका GDP, GNP वगैरह ये सब. ये आप सीए इंटर में अगर ओल्ड सिलेबस कंटिन्यू रहेगा तो सीखोगे, अगर ओल्ड सिलेबस कंटिन्यू नहीं रहा आपके वक्त तक, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपके सिलेबस में वो नहीं आएगा, वो शिफ्ट हो चुका रहेगा तब तक फाउंडेशन में और तुम शिफ्ट हो चुके रहेंगे इंटर. मतलब वो सिलेबस का पार्ट तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी है. ठीक है, तो नेशनल इनकम आपके सीए इंटर में आता है, फिलहाल के लिए ऐसा बोल देंगे हम लोग. फिर उसके बाद आता है जनरल प्राइस लेवल्स, मतलब आपके इन्फ्लेशन वगैरह, और इंटरेस्ट रेट्स, राइट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में मैक्रो का वैसे भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चैप्टर है माइक्रो का, बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल एक ही चैप्टर है जो मैक्रो पे से डील करता है, बाकी तो कुछ भी नहीं आपके सिलेबस में. फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. जब हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज ओनली डीलिंग विद गुड्स. जब हम इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं तो उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड. बट जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं तो इट इज गुड्स एज वेल एज सर्विसेस, टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड टोटल इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया. ये जहां पर बैलेंस शीट जैसे एक स्टेटमेंट होता है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. समझा? तो जब जब BOP बोलेंगे तो गुड्स एज वेल एज सर्विसेस आएगा, मतलब विजिबल ट्रेड एज वेल एज इनविजिबल ट्रेड दोनों कवर होता है उधर. और बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला ट्रेड तो सिर्फ विजिबल ट्रेड आएगा, मतलब गुड्स ही आएंगे. समझ गए सब लोग? देन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, मतलब दोस्तों $1 इज इक्वल टू ₹82. क्या बन गया ये? इंडिया के करेंसी का बाहर वैल्यू, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी. तो एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हो, यहां पर एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी का एग्जाम्पल आ सकता है $1 इज इक्वल टू ₹82.
एग्जाम्पल है ये 82। देन ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, देश का कितना सेविंग हो रहा है, कितने इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, वो सब चीजें। एंड लास्ट में ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब आपके सिलेबस पे नहीं है, मगर आप ये सब पढ़कर ये तो जान पा रहे होंगे कि ये सब देश भर की बातें चल रही है, उसका एक पार्ट नहीं स्टडी कर रहे हम, पूरे देश को स्टडी कर रहे हैं, पूरे इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। जेपिंग क्या, सो दीज आर ऑल कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन फ्रेंड्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपको पता है ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इसका सीपीटी में नाम क्या था, इट वॉज जनरल इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन जैसी आया इसका नाम बदल गया और बन गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों, बस उस इकोनॉमिक्स को इन्होंने हाउ टू यूज फॉर बिजनेस कर दिया, इसलिए बन गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझ गए, इसका मतलब कहना है इसे, ये जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स है, ये अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस मतलब नॉलेज गेन करेंगे और रियल लाइफ में यूज भी करेंगे। तो कहना इसे ये इकोनॉमिक्स सिर्फ एक साइंस नहीं है, ये एक आर्ट भी है। जब हम इसको रियल लाइफ में यूज करने की बात कर रहे हैं मतलब ये एक आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज कर रहा हूं, ये यूज कर रहा है, वो यूज कर रही है, वो यूज कर रही है, नाउ टेल मी हर चारों का तरीका सेम रहेगा क्या, हर एक का बिजनेस में यूज करने का टैक्टिस अलग रहेगा, मगर हर एक के लिए, हम चारों के लिए इकोनॉमिक्स तो वही था। एज अ साइंस वो सबके लिए सेम होता है, एज एन आर्ट वो सबके लिए अलग होता है, याद रखिए ये बात। साइंस में कभी भी प्रैक्टिकल स्किल्स, नॉलेज वगैरह ये सब चीजें नहीं आती। नो डाउट नॉलेज आएगा गेनिंग के एंगल से, मगर उस नॉलेज को यूज करने का लॉजिक कहाँ आएगा, आर्ट साइड आएगा। अंडरस्टूड, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट एनेबल्स एप्लीकेशन, क्या लिखा है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक्स एंड एनालिटिकल टूल्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मतलब जो तुम पढ़ रहे हो ये सब थ्योरी है, जो तुम रियल लाइफ में कर रहे हो वो प्रैक्टिस है, इसका गैप फिल करने वाले सब्जेक्ट मैटर को हम बोल रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझे, मतलब यहां की बातें मैं बिजनेस में कैसे यूज करूं, इसको हम बोलेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इन शॉर्ट हम बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर इकोनॉमिक्स यूज करेंगे तो क्या बोलाएंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस को प्रॉस्पर करना है, ग्रो करना है, अगर इकोनॉमिक्स यूज हो रहा है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स। इट इज नथिंग बट यूज ऑफ एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस यूज किया जा रहा है टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्कैर्स रिसोर्सेस। ध्यान से सुनो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स को वॉन्ट अनलिमिटेड है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो करना है अनलिमिटेड, मगर उस जैसे हमारे पास लिमिटेड मनी होता है उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्स होता है, तो उनके पास भी वही प्रॉब्लम है जो अपने पास प्रॉब्लम है, बस इसलिए बिजनेस के लिए भी इकोनॉमिक्स यूज होता है। समझ गए, बाय द वे डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या होता है ग्रोथ जब आप बोलते हो तो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट होता है, क्वांटिटी होता है, बट जब आप डेवलपमेंट बोलते हो इट इज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। लिख लीजिए कहीं पे, ओके। कुछ लोग यहाँ पे कमेंट में पूछ रहे हैं सर हमारे नोट्स नहीं मिले अब तक, वेदांत इज सेइंग सो नो वरीज, अगर आपने एडमिशन ले लिया रहेगा तो आपको आपके नोट्स एक्सपर्ट ऑफिस से पिकअप करना है, और अगर आप पुणे में नहीं हो तो आपको कुरियर भी हो जाएंगे नोट्स, आप बस एक्सपर्ट्स को, एक्सपर्ट एकेडमी को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके सर, क्या ये बैच पूरा यूट्यूब पर होगा? सर बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पूरा बैच यूट्यूब पर नहीं होगा, पहले 5 दिन रहेगा, पहले 5 दिन भी बड़ी बात है बट 5 दिन रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। जब तक नोट्स नहीं आएंगे तब तक आपको सॉफ्ट कॉपी में भी नोट्स मिल सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल, वील मेक अरेंजमेंट फॉर दैट ऑल्सो। चलिए यहां पर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अच्छा आप ग्रोथ और डेवलपमेंट का लिख रहे थे, ग्रोथ आपने क्या लिखा, क्वांटिटी मतलब आउटपुट, और डेवलपमेंट आपने लिखा क्वालिटी, लिखा क्या सबने? नाउ फ्रेंड्स नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखो क्या लिखा है, बेसिकली कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मेन चीज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, माइक्रो।
However, macroeconomic analysis has also got an important role to play in business economics. ऐसा नहीं कि हम macro को छोड़ ही देंगे, उसका भी important role है हमारे पास. Macroeconomics analyzes the environment in which the business has to function. ध्यान से सुनो, आपके BCK में एक chapter है जिसका नाम है business environment. याद आया? At least chapter का नाम याद आया? Okay. तो मुझे बताइए, आप business करते वक्त environment को ignore कर सकते हो क्या? तो फिर आप इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो तो उसके बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे इग्नोर करोगे? आप अगर माइक्रो पढ़ रहे हो तो आपको पहले मैक्रो भी कंसिडर करना पड़ेगा. समझ गए? यस. सो दिस इज हाउ वी आर सेइंग कि भाई एक इकोनॉमी में बिजनेस कभी ऐसे आइसोलेशन में नहीं रह सकता है. आइसोलेशन में मतलब सिर्फ अकेला अपना खुद का काम कर रहा है, खुद का बिजनेस कर रहा है. देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं बेस्ट टीचर हूँ इकोनॉमिक्स का मुझे लगता है. सपोज एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है पूरे इंडिया में मेरे जैसा इकोनॉमिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता, मगर मैंने कभी यूट्यूब नहीं देखा, मैंने कभी टेक्नोलॉजी नहीं देखी. मैं अपने कॉन्सेप्ट सब एकदम जबरदस्त तोड़े इधर, एकदम जबरदस्त है, पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं, मेरे पास है सपोज, मगर मुझे आइसोलेशन में बिजनेस करना है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. तभी तो हम यूट्यूब पर आए, तभी तो हम लाइव स्ट्रीमिंग में गए, तभी तो हम GDPD में गए. Are you understanding why we are having so many different areas जिसके थ्रू हम कैटर कर सकते स्टूडेंट्स को? बिकॉज हम एनवायरमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते. तो अगर मेरा बिजनेस प्रॉस्पर होना है या नहीं होना है, उसके लिए मुझे एक्सटर्नल एनवायरमेंट को स्टडी करना चाहिए कि नहीं? यस. तो इसका मतलब मुझे माइक्रो के लिए मैक्रो देखना पड़ेगा कि नहीं? यस, देखना पड़ेगा. सो इसलिए एक सेंटेंस है आपके सिलेबस में, माइक्रो एंड मैक्रो दे आर इंटरडिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट. बोलो, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट कभी नहीं होते, याद रखो. देन फ्रेंड्स, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जब हम बोलते हैं तो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ साइंस एज वेल एज आर्ट, दोनों होता है, वो तो अपने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी. फिर उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स. मगर अपन ने क्या बोला, इसका मतलब ये नहीं कि अपन मैक्रो छोड़ देते. आगे लिखा है, देखो, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस ऑल्सो. उसके अंदर मैक्रो एनालिसिस के एलिमेंट्स आते हैं, मतलब कुछ आइटम्स आते हैं. फिर इट इज यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. तो मार्केट का स्टडी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का स्टडी, ये सब यहाँ पर आएगा पिक्चर में. फिर इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रैग्मेटिक? प्रैक्टिकल इन अप्रोच, लिख दीजिए उधर, प्रैक्टिकल. प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल इन अप्रोच. देन इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब क्या हुआ, अलग अलग डिसिप्लिन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. डू यू थिंक इकोनॉमिक्स इज कनेक्टेड विद स्टैटिस्टिक्स? यस. इज इट कनेक्टेड विद मैथमेटिक्स? यस. इट इज कनेक्टेड विद FM? यस, विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन CA इंटर, आई टीच यू. इज इट कनेक्टेड विद कॉस्टिंग? यस. इट इज अगेन यू विल स्टडी इन इंटर, विनोद सर विल टीच यू. तो ये सब डिसिप्लिन्स है, मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स है, इन सबके साथ इकोनॉमिक्स कनेक्टेड है. जान के ताजुब होगा आपको, आपको लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ सब्जेक्ट इन कॉमर्स, इट मींस इट्स अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स, बट फ्रैंकली कॉमर्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का. इकोनॉमिक्स इतना वास्ट है कि इकोनॉमिक्स के एक ब्रांच को कॉमर्स बुलाते हैं, पता है? तो इट इज नथिंग बट इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, अलग अलग डिसिप्लिन्स इसमें इन्वॉल्व है. और ये जो है, इसका नेचर जो है वो नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है. There are two sides of economics. Economics के दो साइड होते हैं, ध्यान से सुनो. ये जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, बाकी एक्स्ट्रा बातें, तो मैं आपके रिविजन नोट्स को डिस्कस कर रहा हूँ. जो आपको रिविजनरी नोट्स दिए ना मैंने, उसको डिस्कशन इसके साथ साथ ही हो रहा है, ऐसा समझ लो. तो देर आर टू साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, द अदर इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. बोलो कौन से? पॉजिटिव, नॉर्मेटिव. जब कंटेंट जो दिया है बस वही आपको बताया जा रहा है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. जो है वैसे बताना, व्हाट इज वो बताया जा रहा है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. एंड देन देयर इज सेकंड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच इज कॉल्ड नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव बोलता है व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी. ऑट टू बी मतलब व्हाट शुड बी, मतलब उसमें आ जाता है सजेशन. तो नॉर्मेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड, आर यू क्लियर? तो पॉजिटिव साइड में सजेशन मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे. नॉर्मेटिव में मिलेंगे. जब मैं आपको बोलता हूं यू शुड स्टडी टू पास सीए फाउंडेशन, पॉजिटिव है.
मैंने आपको कॉज एंड इफेक्ट बताया, मैंने आपको कॉज एंड इफेक्ट बताया, इफ यू स्टडी यू विल पास. कॉज एंड इफेक्ट व्हाट इज, मैंने वो बताया. सर आपने शुड वर्ड यूज किया, सर शुड से सजेशन नहीं होता है. बट मैं बोल रहा हूँ देयर फॉर यू शुड एवरी डे स्टडी 8 आवर्स अ डे, यू शुड स्टडी दिस, यू शुड स्टडी दैट, ये बन गया नॉर्मेटिव. स्मोकिंग किल्स, पॉजिटिव है, जो है वही बताया जा रहा है. देयर फॉर यू शुड नॉट स्मोक, नॉर्मेटिव आ गया, सजेशन दिया गया. अच्छा नॉर्मेटिव में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, नॉर्मेटिव सर नॉट आ गया मतलब नॉर्मेटिव, ऐसा नहीं है. कोई भी चीज में जहां मैं आपको सजेशन दे रहा हूं वो हो गया नॉर्मेटिव, समझा. तो पहला वाला सेंटेंस थोड़ा मॉडिफाई करके मैं ऐसा बताऊंगा कि इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल इन फाउंडेशन, इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल इन फाउंडेशन. अगेन ये पॉजिटिव है, देयरफॉर यू शुड स्टडी, नॉर्मेटिव हो गया. अभी अब मैं आपको सजेशन दिया, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अब आपको क्या लगता है बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या रहेगा? नॉर्मेटिव रहेगा, पॉजिटिव तो है ही रे, पॉजिटिव तो वैसे भी है मगर नॉर्मेटिव है. क्यों है सर? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स को जब बिजनेस के लिए यूज करोगे तब सजेशन तो आएंगे ही ना, ये कर वो मत कर. क्या हुआ? सजेशन आ गया, मतलब क्या बन गया? वो नॉर्मेटिव. होप सबको समझ रहा है एकदम अच्छे से. स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा वाइड है मगर उसके अंदर मेनली कवर होते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजर और फर्म. जो भी फर्म प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो भी मैनेजर मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो सब इकोनॉमिक्स में कवर होता है. बहुत वास्ट इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि बिजनेस का हर एरिया कवर हो रहा है. बट मेनली क्या कवर हो रहा है वो बताया आपको, फर्म के प्रॉब्लम्स जो फर्म फेस कर रहा है या मैनेजर जो मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो दोनों भी कवर हो रहा है. सो इट इज नथिंग बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एज अ मैनेजर या एज अ फर्म जो भी फेस हो जा रहा है वो सब बिजनेस इकोनॉमिक्स में कवर होगा. कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इशू टू विच द इकोनॉमिक थ्योरीज कैन बी अप्लाइड, तो इकोनॉमिक थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम माइक्रो बोलते हैं तो इट इज मेनली अप्लाइड फॉर ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, बिजनेस के अंदर के इश्यूज, करेक्ट. बट जब हम मैक्रो बोलते हैं तो इट इज अप्लाइड मेनली टू एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यू. इसलिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 का रेफरेंस दिया था, बिजनेस एनवायरमेंट. बिकॉज जब हम बोलते हैं ना कि हमको बिजनेस स्टडी करना है तो बिजनेस कभी भी सिर्फ बिजनेस नहीं स्टडी हो सकता है. अच्छा सपोज फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, लेट्स से लास्ट बेंच, वो बोलता है सर बैच के एंड 12वें डे मेरे पास आया, 15वें दिन इस बैच के एंड के मेरे पास आया, बोला सर हाउ इज माय परफॉर्मेंस, हाउ इज माय परफॉर्मेंस. तो क्या जवाब देंगे? मैं बोलूंगा भाई तू बहुत एकदम जबरदस्त है मगर सबके स्कोर्स के मुकाबले तेरा स्कोर थोड़ा कम है. क्या हुआ, समझा के कुछ? मैंने उसको उसके बारे में बताया, वो बन गया माइक्रो, मगर मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बताया और उसको कंपेयर किया, बन गया मैक्रो. आ रहा है समझ में? नाउ व्हेन आई से माइक्रो, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है देखिए, यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज ए मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस सच एज, क्या क्या एनालिसिस कहते हैं वो, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ये तो आपका चैप्टर नंबर 2 है. फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये आपका चैप्टर 3 है मॉड्यूल के मुताबिक, चैप्टर 3. फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके सिलेबस में नहीं आता है. मार्केट स्ट्रक्चर आपका चैप्टर नंबर 4 है मॉड्यूल के मुताबिक. और प्राइसिंग एलोकेशन नहीं है आपके सिलेबस में. थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं है आपके सिलेबस में. प्रॉफिट एनालिसिस एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है. मगर दोस्तों ये सब अगर आप अच्छे से देखोगे, इन्वेंट्री कैसा मैनेज करना है, प्राइसिंग कैसा करना है, या प्रॉफिट एनालिसिस कैसे करेंगे, या रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कैसे देखेंगे फर्म के बारे में, तो ये सब के सब माइक्रो के हिस्से. एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात चल रही है, आपको समझ में आ रहा है? यस. जब हम मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो मतलब हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसके बिजनेस के एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या कवर होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो considers मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिस्टम्स. मतलब किस सिस्टम में इकोनॉमी काम कर रही है. देर आर 3 सिस्टम्स, यू नो, 3 इकोनॉमिक सिस्टम है. कौन से 3 है? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. वेरी गुड. तो ये तीनों सिस्टम्स है आपके पास.
इन तीनों सिस्टम में से आप किस सिस्टम में काम करते हो एज अ फर्म, वो देखना जरूरी होता है। तो मगर आप एक फर्म हो, मगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम में जब स्टडी कर रहे हो तो मैं किस साइड हूं? आप एक फर्म हो मगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम में जब स्टडी कर रहा हूं तो मैं कौन से साइड ऑफ इकोनॉमिक्स पे हूं? मैक्रो, एमए साइड आ गया फिर मैं। देन बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल मतलब क्या? बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स, कभी कभी बिजनेस में होता है एक्सपांशन, कभी कभी बिजनेस में होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो उसको स्टडी करना। ध्यान से सुनो सब लोग, फॉर एग्जाम्पल लेट से अभी के टर्म में आपकी अभी के एग्जाम में सपोज फॉर एग्जाम्पल शिवानी पास हो गई, होने वाली मुझे मान में होगी ना, तो होने के बाद उसका स्कोर जो आया वो 248 आया, तो वो आती है पेड़े खिलाती है और बोलती है सर पास हो गई। मैंने बोला वेरी गुड शिवानी, तो बोले सर मगर सर एक्सपेक्टेशन से कम आया सर, 248 आया। तो मैंने बोला कि ओवरऑल सबका स्कोर बहुत कम आया बेटा, ये होता है, या सबका स्कोर अगर बहुत ज्यादा आता तो मैं उसको क्या बोलता, हाँ यार शिवानी बहुत ही कम आ गया तुझे, कम से कम 280 लाने चाहिए थे। कुछ समझा क्या किया मैंने? कैन यू रिलेट दिस एग्जांपल विद बिजनेस साइकिल? अरे तेरा फर्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में रिसेशन है तो फिर तो जबरदस्त, फिर तो खुश हो जा भाई। मगर अगर तेरा फर्म अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट ईयर से, मगर मार्केट में वैसे भी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, एक्सपांशनरी फेज है, पूरे फर्म अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और तू बोल रहा है मैं लास्ट ईयर के मुकाबले 10% ऊपर हूं, तू खुश हो रहा है? मैं बोलूंगा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बाकी सब भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दिस इज कनेक्शन ऑफ योर बिजनेस विथ योर बिजनेस साइकिल, समझा? फिर आता है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट इन इकोनॉमी। तो ये सब बातें आपको इंडिविजुअल कोई एंगल से लग रही है क्या? नहीं, ये सब एग्रीगेट 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 बातें चल रही है। व्हाट इज कैपिटल मार्केट सर? बार बार सिलेबस में दिखता है ये कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। अंडरस्टूड? तो कैसे आपका फाइनेंशियल सेक्टर कवर होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे आपका कैपिटल मार्केट वर्क करता है? बाय द वे फाइनेंशियल सेक्टर का एक पार्ट है आपका कैपिटल मार्केट, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक मार्केट, बट उसके साथ साथ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत बड़ा टर्म हो गया, उसका एक पार्ट है कैपिटल मार्केट। अंडरस्टूड? नाउ फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू नो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कितने इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अपने पास? चार। कौन सी चार है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अच्छे से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। आप सबको बताया कि जो आपके रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है ऑब्वियसली, बट जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वो तो ज्यादा है, तो आपने सिलेक्ट करना चाहिए कि आपने रिसोर्सेज को कहाँ यूज करना है। That is called what to produce. Understood? Second point says how to produce. There are two ways to produce, you know. Labor intensive, capital intensive. तो आप सबको पता है कि जो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है उसने कैपिटल इंटेंसिव चूज करना चाहिए। जनरली डेवलप्ड कंट्रीज होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर चूजन इन डैश इकोनॉमी और नीचे लिखा रहेगा डेवलप्ड इकोनॉमी, तो जरूरी नहीं डेवलप्ड, मे बी डेवलप्ड हो, मतलब तेरे चारों ऑप्शन में तेरा रेलेवेंट ऑप्शन नहीं मिलेगा तो डेवलप्ड इकोनॉमी को चूज सिलेक्ट कर तू। यू नो वन रूल ऑफ एमसीक्यूज, जनरल आंसर्स एंड स्पेसिफिक आंसर में स्पेसिफिक आंसर सिलेक्ट करना चाहिए, ये तो पता है सबको। तो ऐसे केस में क्या होगा? जनरल आंसर, स्पेसिफिक आंसर। मेरे पास कौन सा आंसर है? सिर्फ स्पेसिफिक है और जनरल भी है, किसको सिलेक्ट करूं? स्पेसिफिक को सिलेक्ट कर। बट अगर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल आंसर ही लिखा हुआ है, तो फिर जनरल को सिलेक्ट कर। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शंस में कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा है, बाकी ऑप्शंस सब बकवास है, सिर्फ एक ऑप्शन लिखा है डेवलप्ड इकोनॉमी, तो डेफिनेटली दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। बट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज सिलेक्टेड या चूजन इन अ, करेक्ट आंसर क्या आएगा? कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी।
ज्यादा स्पेसिफिक आंसर क्या हो गया, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। समझ में आया सर? ऐसा क्यों सर? मगर डेवलप्ड इकोनॉमी भी आंसर रह सकता है, क्यों डेवलप्ड इकोनॉमी ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, ऐसा किसने बोला? समझे कि नहीं? कुछ तेरी इकोनॉमी बहुत डेवलप्ड है मगर तेरे पास पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, बोल कौन सा टेक्निक यूज करेगा? लेबर इंटेंसिव यूज कर। समझा? तो व्हाट टू प्रोड्यूस कवर हुआ, हाउ टू प्रोड्यूस कवर हुआ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आप सबको पता है कि जो भी प्रोड्यूस होता है वो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट डिस्ट्रीब्यूट होता है मतलब फ्री में नहीं बांटा जाता है, जिसने जो पे किया उसको वो मिलता है। डू यू अग्री? ये जो हमने टी शर्ट शर्ट जीन्स जैकेट जो भी पहने रहेंगे, ये सब हमने प्रोड्यूस किया क्या? ऑब्वियसली नहीं, किसी और ने प्रोड्यूस किया। यू ऑब्टेन्ड योर शेयर ऑफ व्हाट अदर्स हैव प्रोड्यूस्ड, ऑब्वियसली बाय पेइंग फॉर इट। क्या बोला, समझा क्या? बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू ऑब्टेन्ड योर शेयर ऑफ व्हाट अदर्स हैव प्रोड्यूस्ड? मैं एक प्रोड्यूसर हूं, डू यू एग्री? मैं एक प्रोड्यूसर हूं, डू यू एग्री? क्या प्रोड्यूस कर रहे हो सर आप? मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, और मेरे ये जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच का सर्विस है ये सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर आपको अवेल हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि आपने उसे पे किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज कॉल्ड कि सोसाइटी का कैसा जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वो दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट होता है मतलब फ्री में नहीं मिलता है, वो पे कर उसे अवेल करता है। अंडरस्टूड? यस। So how to produce हो गया, for whom to produce? So for whom to produce is nothing but members of the society में वो क्या बोलते हैं उसे distribute होगा, for whom to produce, and obviously वो लोग उसे demand करेंगे इसलिए उनको मिलेगा। मेरा comprehensive CA foundation economics का batch, science वाला कोई person लेगा क्या जो computer science कर रहा है? नहीं लेगा, क्योंकि उसने उसे demand ही नहीं किया। समझा? Then what provisions are to be made for economic growth? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या प्रोविजंस रहेंगे? इज वेरी सिंपल दोस्तों, कि पूरे इकोनॉमी के रिसोर्सेस आज के करंट कंजम्पशन के लिए यूज होंगे क्या? नहीं होंगे। कुछ रिसोर्सेस अभी यूज होंगे और कुछ रिसोर्स फ्यूचर के लिए रखे जाएंगे। जो रिसोर्स तुम फ्यूचर के लिए रखोगे वो बन गया आपका इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर फ्यूचर, प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ टू बी केप्ट फॉर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म है जिसके पास 1,00,000 रुपया है, कैपिटल कितना है पूरा 1,00,000, मगर उसने 1,00,000 में से अभी यूज किया कितना, 60,000। तो इसका मतलब 40,000 उसने क्या किया, प्रोविजन फॉर फ्यूचर रखा। एज सिंपल एज दिस। तो यहां पर बोला गया सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच इट हैज टू सेव एंड इन्वेस्ट, दैट इज कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा करंट कंजम्पशन का। ऑब्वियसली क्यों सर? क्योंकि फ्यूचर के लिए काम में आएगा। अच्छा, आपके पेरेंट्स जितना अभी कमाते पूरा आप लोग उड़ा देते हो क्या, या पूरी फैमिली खर्च कर देती है क्या? अभी फॉर एग्जाम्पल महीने का 50,000 इनकम आया, तो 50 के 50 पूरा खत्म कर दो, ऐसा रहता है? हर फैमिली उस 50 में से कुछ ना कुछ सेव करती है ताकि आगे के लिए काम में आए। तो दीज आर नथिंग बट प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कुछ सेव एंड इन्वेस्ट होगा तो ही तो ग्रो होगा। तो ऑब्वियसली उसके लिए करंट कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। करंट कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करोगे तो ही तो फ्यूचर की सेविंग होगी। The basic economic problem of what, how and for whom to produce can be solved by different economies in different ways. कितने economies है हमारे पास? 3। पहला कौन सा है? Capitalistic. Capitalistic मतलब कौन? पैसे वाला। Capital मतलब पैसा। तो यहाँ पर government intervention रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। Government intervention यहाँ पर नहीं रहेगा, तो फिर capitalist economy में central economic problem का solution कौन देगा? प्राइस मैकेनिज्म का डायग्राम देगा। क्या देगा? प्राइस मैकेनिज्म का डायग्राम। सर वो डायग्राम कौन सा होता है? अपना रेगुलर फेवरेट वाला डायग्राम, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग, उसका इंटरसेक्शन, उसको क्या बोलने का, प्राइस मैकेनिज्म का डायग्राम। वो देगा आपको सोल्यूशन, वॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड वॉट आर द प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कौन से इकोनॉमी की बात की अपन ने अभी? कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट पर आते हैं। सोशलिस्ट कौन सी इकोनॉमी है? सोशल, सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं बोलते, सीपीए बोलते इधर। क्या होता है सीपीए? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। वो डिसाइड करेगा वहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट आर द प्रोविजन फॉर
इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन डिसाइड करेगा? सीपीए, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, कौन से इकोनॉमी में? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। अब बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर रहेगा सीपीए डिसाइड करेगा, एंड प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड करेगा। आर यू क्लियर? यस, दीज आर नथिंग बट ये जो भी हमने पढ़ा ये सब हमारा इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। ये देखो वापस इकोनॉमी का पार्ट आ गया, तीन टाइप की इकोनॉमी बोल रहे थे हम लोग, तीनों टाइप की इकोनॉमी दिख रहे हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कैपिटलिस्टिक की बात करेंगे। कैपिटलिस्टिक के वहां पे क्या लिखा है? यूज द टूल्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। दूसरा क्या लिखा है सोशलिस्ट के लिए? सेंट्रल प्लानिंग। यूज द टूल्स ऑफ सेंट्रल प्लानिंग मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, सेंट्रल मतलब एक मेन पार्ट पूरे इकोनॉमी को डिसाइड कर रहा है, सेंट्रल प्लानिंग। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? प्राइस मैकेनिज्म भी रहेगा एंड सेंट्रल प्लानिंग भी रहेगा, डिपेंड करता है सेक्टर कौन सा है, प्राइवेट है या पब्लिक है। समझ लेते हैं एक बार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अगर बहुत सिंपल सी बात समझाया जाए, बहुत चीजें लिखी आपके मॉड्यूल में, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, कैपिटलिस्टिक के भी लिखे, सोशलिस्टिक के भी लिखे, मिक्स्ड के भी लिखे, अगर इन सबको क्रक्स में मतलब शॉर्ट में समझना है तो ये आपके लिए सबसे ईजी समरी है। यहाँ पे क्या बोला है? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या? अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कौन ऑन करेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑन करेंगे। ओके, देन सॉल्यूशन टू सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन देगा? प्राइस मैकेनिज्म देगा। वहां पे लिखिए आप सॉल्यूशन टू सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बाय प्राइस मैकेनिज्म। बाय द वे व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सर फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मतलब क्या? सर डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इंटरसेक्शन। आर यू क्लियर? तो एग्जाम में वर्डिंग चेंज हो गया, समझ पाओगे क्या? यस। नाउ रोल ऑफ मनी एंड मार्केट, डू यू थिंक इंपॉर्टेंट है इधर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ मनी एंड मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पर गवर्नमेंट है ही नहीं, तो कौन डिसाइड कर रहा है इकोनॉमी के लिए चीजें? मनी और मार्केट, पैसों वालों की दुनिया ही है। यहां पे जो भी डिसाइड होगा वो सिर्फ पैसा रहेगा उसके हाथ में, वो ही डिसाइड कर पाएगा। देन फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन रहेगा क्या? यस। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन रहेगा। बट फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन क्यों रहेगा? क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट में मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ू, ये हमारी मर्जी है या गवर्नमेंट बताएगा? ऑब्वियसली मैं, मेरा मर्जी है, मैं खुद डिसाइड करेगा मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या है क्या नहीं। ऑब्वियसली विद कंसल्टेशन विद सुशील सर एंड विनोद सर वी विल डिसाइड, दैट मींस वी विल डिसाइड क्या होगा कैसे होगा, समझा कि नहीं। तो इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन। बट ये क्यों है मालूम है? क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खुद के है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हमारे है, करेक्ट। मैं एक BSNL का एम्प्लॉई हूं, अब बोलो कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, समझा कि नहीं। तो यहां पर क्योंकि हमारे पास प्राइवेट फैक्टर्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन है। क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन है तो हम लोग अलग अलग वैरायटी ऑफ बैचेस अनाउंस कर सकते हैं और आपके पास चॉइसेस है आपको कौन सा लगाना है, रेगुलर बैच लगाना है, रिविजन बैच लगाना है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच लगाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, क्या बन गया? क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन था तो तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन आया, मतलब चॉइसेस आए। अगर BSNL बोलता है हमारे पास एक लैंडलाइन है, एक मोबाइल है, मोबाइल का ये प्लान है, लैंडलाइन का ये प्लान है, कंज्यूमर के पास कोई चॉइसेस रहेंगे? कुछ नहीं, समझा कुछ। तो वहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है? गवर्नमेंट ओन्ड, तो जो गवर्नमेंट बोला वही प्रोड्यूस हुआ, तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन आ गया, इसलिए कंज्यूमर के पास रेस्ट्रिक्शन ऑन कंजम्पशन हुआ। बट सर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिव ओनरशिप है। What is collective ownership? Government ownership. Collective ownership का मतलब होता है government ownership. सामने जो पार्क है, public park क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसका ownership government ownership है. तो can we say we collectively own that park? Yes, public park. Public park के angle से उसकी ownership government के पास है. मतलब ही we all collectively own. We all मतलब सिर्फ हम और तुम नहीं, सब लोग. कलेक्टिवली ओन्ड,
तो चलो जाके बेचते हैं फिर, नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ओनरशिप है, कलेक्टिव ओनरशिप मतलब पब्लिक ओनरशिप है, समझे क्या कुछ? और इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन रहेगा, और जितने फॉर एग्जांपल कल जाके सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सपोज सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करता है? गवर्नमेंट, क्योंकि पब्लिक ओनरशिप होती है। मैं दोनों साथ में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओगे अच्छे से। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन क्यों था? क्योंकि मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खुद के थे। यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिव ओनरशिप के हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास। तो अगर गवर्नमेंट के पास मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यहाँ पर इसने लिखा है सॉल्यूशन टू सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हम आगे क्या लिखेंगे? बाय सीपीए और गवर्नमेंट, बाय सीपीए और गवर्नमेंट। समझ में आ रही बात? और बाय डिफॉल्ट इसलिए हमारे पास रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन आ जाएगा और रेस्ट्रिक्शन ऑन कंजम्पशन आ जाएगा। यहां पर वेलफेयर, अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं तो पैसे वाली दुनिया है, प्राइवेट ओनरशिप है सबका, तो लोग काम क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट अर्निंग, करेक्ट। तो यहां का मोटिव रहेगा प्रॉफिट मोटिव, और वहां का मोटिव क्या रहेगा? सोशल वेलफेयर मोटिव, सबका भला होना चाहिए। अरे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सबके बारे में सोचता है ना, प्रैक्टिकली मत सोचो, थ्योरेटिकली सोचो। हाँ थ्योरेटिकली सोचो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगा? सबके भले के लिए सोचेगा, करेक्ट। और इक्वालिटी ऑफ इनकम आपको क्या लगता है कहाँ ज्यादा रहेगा? इक्वालिटी ऑफ इनकम, वेरी गुड, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो यहां पे हम नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे, वहां पर लिखो रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और कैपिटलिस्टिक के वहां पे क्या लिखोगे? यस, रिलेटिवली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Relatively unequal distribution of income. तो I hope आप सबको capitalistic और socialistic clear है everybody. अब आते हैं mixed economy. Mixed economy कौन सी होती है दोस्तों? जिसमें capitalistic as well as socialistic के features आ जाते हैं, उसको generally बोला जाता है golden pathway. इसका नहीं उसका नहीं, ये बहुत extreme, वो बहुत extreme, बीच वाला रास्ता, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। आज वर्ल्ड की मैक्सिमम इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के वक्त पॉलिटिक्स झेला, कुछ कंट्रीज बोल रहे थे हमारे साइड आ जाओ हम कैपिटलिस्टिक है, कुछ कंट्रीज बोल रहे थे इंडिया तुम हमारे साइड आ जाओ हम सोशलिस्टिक है। इंडिया ने बोला न तेरा न मेरा, बीच वाला रास्ता है। कौन सा रास्ता चूज किया? मिक्स्ड इकोनॉमी का चूज किया, राइट। मगर आप सबको पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी सिलेक्ट करने के बावजूद भी इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसके वहां से लेकर 1990 तक इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा डाइवर्जन रखा। मतलब गवर्नमेंट बोलता था ये मैं करेगा वो मैं करेगा, गवर्नमेंट बोलता था तू प्राइवेट बिजनेस कर रहा है तेरा पूरा कंट्रोल मेरे पास चाहिए, करेक्ट। और वर्ल्ड को बोल रहे थे हम आपसे कनेक्ट होना नहीं चाहते, हम हमारे अंदर ही बिजनेस करेंगे। मगर फिर देखते देखते इंडिया का इकोनॉमी डाउन 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 जाके हमारी 1991 में ऑलमोस्ट वाट लग गई थी। वाट लग गई थी मतलब इकोनॉमी में हार्डली हमारे पास 2 वीक के फॉरेक्स रिजर्व बचे थे। तब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और हमारे लिए जबरदस्त काम किए, 3 पॉलिसीज लेके आए इंडिया में जिसको मिलाकर एक पॉलिसी बुलाया जाता है, बट एक्चुअली 3 अलग अलग डिसीजंस लिए गए। LPG लिबरलाइजेशन बिकॉज रिस्ट्रिक्शन बहुत थे, तू ये मत कर तू वो कर तू ये रिपोर्ट कर वो कर, अरे भाई वो बिजनेस करेगा कि गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगा, लिबरलाइज किया गया। देन गवर्नमेंट बोल रहे थे नहीं तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते हम ही करेंगे, गवर्नमेंट को समझ गया वो सिर्फ लॉस कर सकते हैं बिजनेस नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट ने बोला चलो हम ये बेचते तुम कर लो, ये हम बेचते तुम कर लो, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और लास्ट में वर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन हमारे नहीं थे ज्यादा वो लाए गए, उसको बोलते ग्लोबलाइजेशन।
इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इसके हद तक हम थोड़े लिबरल बने। तो ये था मिक्स्ड इकोनॉमिक लॉजिक, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर यहाँ पर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लान्ड इकोनॉमी बिकॉज गवर्नमेंट पूरा प्लानिंग करता है। बट याद रखो, गवर्नमेंट कभी प्राइवेट वालों के साथ डिस्कस करके प्लानिंग नहीं करता है। आप सब देखते हो इंडिया में 1 फरवरी को बजट आता है, तो बजट क्या ऐसा नहीं होता है कि हमारे साथ डिस्कशन हुआ उसके बाद हमने और गवर्नमेंट ने मिलकर एक बजट लाया, समझे। हमारे प्रॉब्लम स्टडी करते वो लोग और अकॉर्डिंगली बजट लाते हैं, मतलब इकोनॉमी का प्लानिंग करते हैं। तो इकोनॉमी का प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हो बजट, इंडिया में जो 1 फरवरी को बजट बनता है वो एक एग्जांपल बन सकता है आपके इकोनॉमिक प्लानिंग। देन ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम चलता है। ड्यूअल का मतलब क्या होता है, दो, तो दो प्राइसिंग सिस्टम चलता है यहां पर। एक सीपीए डिसाइड करने वाले प्राइस को बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस, क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्टर्ड प्राइस। और जो प्राइस प्राइस मैकेनिज्म से डिसाइड होता है वो आपका नॉर्मल प्राइस होता है। तो यहां पर इस इकोनॉमी में कौन सा प्राइस आता है सर, दोनों आते हैं। प्राइस मैकेनिज्म कहां आएगा सर, प्राइवेट सेक्टर, और सीपीए कहां आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर। तो सीपीए जो डिसाइड करते हैं उस प्राइसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, एडमिनिस्टर्ड प्राइस। दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं आपको, सीपीए जो डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस। वो कौन से सेक्टर में चलता है, पब्लिक सेक्टर में। और जो प्राइस मैकेनिज्म है वो कहां चलता है, प्राइवेट सेक्टर में चलता है। लास्टली बोथ द इकोनॉमी गुड फीचर आर इन दिस इकोनॉमी, इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन पाथवे। दोनों के बीच का सुनहरा रास्ता, गोल्डन पाथवे। आर यू क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स डू वन थिंग, वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम चार्ट बुक इफ यू नो। तो आपके पास सबके पास ये रिवीजन नोट्स मिलेंगे, नहीं मिले होंगे तो मिल जाएंगे, डोंट वरी। इस रिवीजन नोट्स में से आपको चैप्टर वन कंप्लीट करना है। इस रिवीजन नोट्स में से आपको चैप्टर वन कंप्लीट करना है। मतलब कितना कंप्लीट करना है मालूम है आपको, सिर्फ एक पेज, सिर्फ एक पेज मिला क्या, बस इतना सिर्फ रेफर कर लो अच्छे से। इसके अलावा इसी चार्ट बुक ये रिवीजन मटेरियल में आपको पेज नंबर 24 पर 7 एमसीक्यूज मिलेंगे। मिले क्या, ये आपको सॉल्व करने हैं, 7 एमसीक्यूज मिलेंगे, ये आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। शैल वी स्टॉप हियर, यस। So you have 2 homeworks, okay? Goodbye, see you tomorrow.